यदि आप चाहते हैं कि भगवान आपसे नाराज ना हो, प्रसन्न रहे, तो दो कार्य आप भी करें। भगवान प्रसन्न होते हैं ब्राह्मणों की सेवा से, इसलिए जब भी कभी अवसर मिले निश्चल भाव से, निस्वार्थ भाव से, निश्चित रूप से ब्राह्मणों की सेवा करें। जब ब्राह्मण को सुंदर भोजन पवाते हैं ना, और ब्राह्मण प्रसन्न हो जाता है, तृप्त हो जाता है, तो निश्चित रूप से ये मानिए कि आज नारायण आपसे प्रसन्न हो गए। तो ब्राह्मणों की सेवा निश्चित रूप से करें। अपराध नहीं होना चाहिए, अपमान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मणों के अपमान, संतों के अपमान, गुरुदेव के अपमान से बचिए। जीवन में छोटे मोटे अपराध होते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं फिर प्रायश्चित हो जाएगा, प्रभु की कृपा होगी, पाप धुल जाएंगे। लेकिन यदि कहीं संतों का अपमान कर दिया, गुरुदेव का अपमान कर दिया, ब्राह्मणों का अपमान कर दिया, तो फिर ये अपराध क्षम्य नहीं है। तो पहला कि जब भी कभी अवसर मिले खूब सेवा करें ब्राह्मणों की। दूसरी बात, भगवान नारायण प्रसन्न होते हैं यज्ञ से, हवन से। जब आप देवताओं का नाम ले लेकर के हवन करते हैं ना, सीधे ही वो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए निश्चित रूप से यज्ञ हवन करते रहा करें।